जय श्री कृष्ण। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम रेकी के बारे में बात करेंगे, हीलिंग के बारे में। रेकी क्या है, हीलिंग क्या है? कोई लोग उसे ब्लैक मैजिक समझते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल का पावर है जो डॉक्टर उषय ने हमें ये प्रदान की दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक एक चक्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 7 चक्रस होते हैं, तो 7 चक्रस हमारी बॉडी के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो हम दिखाएंगे आज आपको। और एक एक एपिसोड हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, तो हम आपको बताएंगे रेकी के चक्रस के बारे में और वो 7 चक्रस जो मेन हमारी शरीर में काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसका पावर हमारे साथ कैसे काम करते हैं, हमारे कौन से रोग होते हैं और कौन सी अच्छाई होती है, वो भी ये चक्र के ऊपर डिपेंड रहता है। वो चक्र जब ख़राब होता है तभी क्या होता है, तो ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूट चक्र के बारे में, जो फर्स्ट वन है रूट चक्र, जो ये रेड कलर का रूट चक्र है, यहाँ पे दिखाया गया है रूट कलर चक्र रेड कलर का है। और वो चक्र जब ख़राब हो जाता है तभी क्या होता है, तो रूट चक्र ख़राब होने से मेल और फीमेल में दोनों में इफ़ेक्ट होती है। रूट चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है, कुंडली की शक्ति वहाँ पे बैठी हुई है, गणपति बापा का स्थान भी है ये चक्र के ऊपर। तो रूट चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके साथ हमारे पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड हमारे पैरों के कनेक्टेड होता है। रूट चक्र में कहीं कभी भी हमें ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रूट चक्र की विशिष्टता ये वही है कि रूट चक्र जब लॉक हो जाता है तभी हमारे घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाता है, लेडीज़ों में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, और रोग में आर्थराइटिस के रोग, हार्ट के हड्डियों के रोग चालू हो जाते हैं, हम उठ नहीं सकते हमारे पलंग पे से भी, बिस्तर पे से। तो रूट चक्र इतना महत्वपूर्ण है और रूट चक्र को हमें वहाँ पे लक्ष्मी बंधन योग भी कहा जाता है, ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है, बंधन योग रूट चक्र का है। तो खास ध्यान रखना है कि रूट चक्र को हमें बहुत ही अच्छा रखना है, वहाँ नीचे से कनेक्टेड रूट चक्र से कनेक्टेड कोई भी ब्लैक कपड़े नहीं पहनने हैं, वो खास ध्यान रखें। और कुंडली की शक्ति है वहाँ से ही जागृत होती है, रूट चक्र से ही। कभी कभी हमें लगता है कि लेडीज़ों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं पीरियड के रेगुलर, तो उसने अन पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, बच्चों के योग नहीं होते, बच्चे जब चिल्ड्रन चाहिए तभी चिल्ड्रन होते नहीं, क्यों? रूट चक्र और सहारा चक्र, दो चक्र जो बंद होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए रूट चक्र जब अच्छा होता है तो लक्ष्मी बंधन योग भी नहीं रहता है, और हो सके तो वहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहनने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ख़ास ध्यान रखें रूट चक्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उससे काफ़ी अच्छा होता है और हमारे जॉब में भी, बिजनेस में, सब जगह पर बेनिफिट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिना विजय ओझा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन भी आपको मिलेगा, उसमें डाउजिंग भी मिलेगा, 1 से 10-11 एपिसोड है, वास्तुशास्त्र की भी एपिसोड है, सब दिशाओं के बारे में भी समझाया गया है। और आगे आप देखेंगे तो सिग्नेचर एनालिसिस, न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से सिग्नेचर हमारी लाइफ में कितना काम करता है वो भी मैंने दिखाया हुआ है, और पितृदोष क्या है वो भी एपिसोड है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, नई नए हमारे साथ आपको एपिसोड मिलते रहे। कुछ नहीं जानने की इच्छा होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में, नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि हमें ये नया सब्जेक्ट लेना है, और हमें कुछ आप बताइए तो मैं बताऊँगी और आपको रेमिडीज़ भी दूँगी। और रूट चक्र का बीज मंत्र क्या है, तो वो बीज मंत्र है लम लम। पहले आपको 3-7 बार ओम करना है प्राणायाम के साथ, और फिर लम जो बीज मंत्र है वो बोलना है, फिर वापस 9 टाइम आपको लम बोलना है, बाद में वापस आपको 7 टाइम ओम बोलना है। वो मेडिटेशन करने से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपका जो रूट चक्र है, जो आपका लोक है, वो भी खुल जाएगा और वो भी शक्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती है, तो आपका लक्ष्मी आना चालू हो जाएगा और आपके साथ जो नेगेटिविटी होती है वो भी निकल जाएगी। तो बीज मंत्र करिए और मेडिटेशन कीजिए, फिर हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना बेनिफिट होता है। थैंक यू वेरी मच।